डर तो मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर, और मेरी मंजिल यूं मेरे करीब आती गई मेरा हौसला देखकर। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया मस्त वाली चल रही है। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं कुछ बच्चों के डाउट लेकर के आया हूँ, क्योंकि अब मैंने एक सेशन डाउट सेशन चलाया है एक हफ्ता के लिए। इसके बाद भी ये चलता रहेगा अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोग खूब शेयर सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। जिसमें हम सभी बच्चों के डाउट का एक वीडियो बनाते हैं और 10 मिनट के अंदर उनके डाउट सब क्लियर कर देते हैं। अगर बच्चों की संख्या 10 से अधिक होती है तो हम एक डाउट उनका जरूर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे इस पर जो कमेंट किए हैं आज, डाउट वो हजारों की संख्या में था, बहुत सारा डाउट था, जिनमें कुछ नाम मैं बोलूंगा चुनिंदा, बस जो हमारे सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट भी हैं स्पेशली, क्योंकि उनका नाम ऊपर रहता है, जैसे कि रविशंकर, ये मिर्जापुर से हैं, और रोशनी शर्मा, इन्होंने भी इसी टॉपिक पे डाउट पूछा है कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस पर मैंने एक सेशन किया, अभी उसके बारे में दिखाऊंगा विस्तार से। अभी आज कुछ मैं नए सवाल इनके लेके आया हूँ, ठीक है। मुस्कान सैनी जयपुर राजस्थान से, इन्होंने पूछा हुआ है। आजाद अली भोजपुर बिहार से हैं। वंदना गौतम प्रतापगढ़ यूपी से हैं। और स्वप्निल ये सीतापुर यूपी से हैं, इन्होंने भी डाउट पूछा हुआ। दीपक जी भोजपुर बिहार से हैं। और गोलू पटना बिहार से हैं। हमीद अंसारी ये पश्चिमी दिल्ली से हैं। और अनिल कुमार उदयपुर राजस्थान से हैं। इन सब ने इस टॉपिक पे डाउट पूछा है। चलिए दिखाते हैं इनको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पीडीएफ हम आपको पीवीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर भी दे देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते चलें। ये मैं करवाया था पिछली क्लास में, आपको याद होगा, याद है तो कमेंट करके बताओ पिछला क्लास देखा था। सभी बच्चे आ जाएं बस, तुरंत मैं चल रहा हूँ, स्लाइड खत्म हो रही है, सभी बच्चे आ जाएं बस, ठीक है। आगे सभी आगे बढ़ूं, चलो भैया आ जाओ फिर राजा। चलो ये एप्लीकेशन में फ्री क्लास डाल दी गई है पीवीआर स्टडी ऐप में, चलो ठीक है आ जाओ, आ जाओ फिर। ये आज जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इन सभी बच्चों की बहुत सारी उम्मीदें हैं इस क्वेश्चन में, जैसे 84, 82 और 41, 84, 82 एंड 41, इसका क्या करना है, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर दशमलव लगा है याद रखना, ठीक है मेरे भाई। चलो का भाग विधि से, क्योंकि इसका भाग विधि से ही संभव है, बाकी इनमें कोई विधि संभव भी नहीं है, ये आसान वाला नहीं है। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भाग विधि से करेंगे। आइए सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं, जो नंबर है उसको यहाँ पर लिखेंगे ला करके ऐसे। दशमलव के इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया कितने अंक तक ले जाना है, तो हम दो ही अंक तक ले जाएंगे, दशमलव के बाद दो ही जोड़ा बन रहा है, तो इसका जो भी आएगा दो अंक तक जाएगा। ये दो जोड़ा बन रहा है ना, दो दो का एक एक जोड़ा बनता है, एक ही जोड़ा बनाने में, और समझ लो। अगर मेरे भाई मेरे बाबू कहीं ऐसा है तो दो दो अंक का जोड़ा बनता है, लास्ट में एक बचता है तो उसका ही जोड़ा बनता है, ठीक है, दशमलव के लेफ्ट साइड वाले में। ये चीज ऐसा होता है, समझ लेना, नहीं तो कन्फ्यूजन में रहो। अब क्या करेंगे, जैसा मैं पिछली क्लास में बात किया था, अगर आपने देखा होगा, समझना, तो 84 है ना, हमको ये कैसी नंबर का वर्ग करेंगे जो 84 के लगभग आए, बताओ कोई ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 84 के लगभग आए आसपास, किसी को याद आ रहा कुछ? हाँ मुझे आ रहा है, 9 है ना, वो क्या है, 9 है, बैटरी चार्ज है इसकी, चलो 9 है, तो 9 का वर्ग करेंगे मेरे भाई, तो 9 का वर्ग क्या आएगा, 84 के लगभग आएगा। यार काहे को गड़बड़ कर देते हो भैया, 81 ना, ठीक है, 9 बार गया तो 9 ऊपर भी लिखोगे। अब इनको जोड़ लेते हैं, ध्यान रहे जोड़ते समय इधर एक जगह छोड़ के जरूर लिखेंगे, इधर जगह छूटना चाहिए, 9 9 18, इनको घटाओगे इसमें सिर्फ कितना आएगा, 3। अब क्या करते हैं मेरे भाई, समझा ना, ऊपर मैंने 9 लिखा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, पता नहीं कितना बड़ा बनेगा यार, छोटा बनता ही नहीं, नहीं छोटा बनेगा, जाने दो, ऊपर मैंने यहाँ पे 9 लिखा था, अब दशमलव के बाद वाला मैं जोड़ा यहाँ उतारूंगा 82, लेकिन दशमलव के बाद वाला उतारे हो तो ऊपर दशमलव बढ़ा लो तुरंत,
अब कितनी बार जाएगा बताओ, सोचो और बताओ। अगर मैं एक बार ले जाऊं, समझना, एक बार ले जाने का मतलब है ये ऐसे बनेगा, ऐसे 181 आएगा। 181 मुझे लगता है बहुत कम है ना। हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि 18 का भाग 38 में कितनी बार जाएगा, आप बताओ। 18 का भाग 38 में 2 टाइम जाएगा, हाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई दर्द दुख नहीं है। चलो तो जाएगा तो ले जाओ, फिर खींचना पड़ेगा। लो यार, ऐसे नहीं मिटाना आपसे। हाँ ठीक है, यस सर। 2 बार जाएगा, ऊपर भी 2 ले जाओ, इनको जोड़ेंगे। ये 2 दूना 4, 2 8 16, हाँ सी ले, 2 1 2 1 3, इनको घटाओ, इनको जोड़ो, 4 8 और 1। इधर एक गिनती लिखने की जगह छोड़ के हमेशा लिखते हैं, इसे याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है। चलो इनको घटा लो बाबू, 12 में से 4 गए 8, ठीक है। इसमें से उधार गया था ये 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, ठीक है, कोई डाउट नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब देखो, मैंने एक जोड़ा यहाँ पर 82 वाला उतार लिया था, हाँ समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझो रे भैया, ये 82 मैंने यहाँ से उतारा था, ठीक है, ये 84 का हिसाब यहाँ हो ही गया था। अब हमारे पास ये बचा है 41, तो 41 को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना भाई, डन, बात पक्की। चलो आगे बढ़ो, इसको मैंने लिख लिया, अब क्या करेंगे? अब 1 टाइम जाएगा और बराबर आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा। यार ये तो बड़ी अच्छी संख्या थी रे बाबा, हाँ 1 टाइम जाएगा, 18 41 आ जाएगा, घटाओगे सब 0 0 आ गया। इनको जोड़ो, चाहे भेज दो विदेश चले जाएं, ये कोई मतलब नहीं है। इस तरह से आपका आंसर आ गया कितना, 9.21। इसमें किसी का कोई डाउट तो बताओ, लिख लो फटाफट, छाप लो, चलो आगे बढ़े। किसी को कोई तकलीफ नहीं ना बाबू, कमेंट करके बताना अगर इसमें कोई दुख दर्द है तो, ठीक है। ये वीडियो को खूब दबा के शेयर करो, मैं इस टॉपिक का और वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो दूंगा, लेकिन बड़ा वीडियो हो जाता आप लोग देखते नहीं हो। कमेंट करना कि आपको समझ में आया, नहीं आया तो कहाँ नहीं आया, ये भी कमेंट करो। इसका सोल्यूशन PVR स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है, सोल्यूशन चैनल पर दे दूंगा, जाके देख लेना वहाँ पे। चलो आगे बढ़े, ठीक है। तो इस वीडियो को फटाफट खूब दबा के शेयर करो, और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सारा क्लास शेयर करता हूँ दबा के खूब। अपने डाउट कमेंट करो, नीचे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बस कल इसी टाइम रात 9 बजे।